हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज मींस AWS पे हम लोग अपना नया फ्रेश अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे aws.amazon.com। गाइस, इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे AWS मैनेजमेंट कंसोल। सो गाइज, अभी ये मेरा ओल्ड अकाउंट ओपन हो गया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से लॉगिन था, तो हम इसे साइन आउट करेंगे। इसके साइन आउट हो जाने के बाद हम लोग वापस से माय अकाउंट माय मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक करेंगे। गाइज, इसके बाद हम लोग करेंगे साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। इसके बाद आपको करना क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। गाइज, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हमको फिल करनी होंगी, जैसे कि ईमेल एड्रेस। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ जिससे मुझे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट नेम, गाइज यहाँ पे अकाउंट नेम देना होगा कि उस अकाउंट को हम किस नेम से। गाइज, और ये डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कभी अपना पासवर्ड खो देते हैं तो उस केस में। तो गाइज, AWS अकाउंट है, उसे आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा। तो अपनी कंपनी का नेम या अपना खुद का नेम पे आप अकाउंट बना सकते हैं, या जिस पर्पज़ के लिए आप लोग ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो नेम दे सकते हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम देता हूँ, एंड कंटिन्यू। गाइज, इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है, तो मैं साइन इन एग्जिस्टिंग AWS अकाउंट करूँगा। आई थिंक मैं अपनी आईडी इसमें पहले से ऐड कर चुका हूँ। सो गाइज, ये मेरा अकाउंट फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है। अब इसमें मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करनी है। तो फुल नेम, यहाँ पे मैं डिटेल भरूंगा।
टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेंगे एंड क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना कंपलसरी है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि यदि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो ये आपके लिए, यदि आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि यदि कभी भी अमाउंट या बिल थोड़ा एक्सीड होता है तो हमारे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। यदि 10,000 से कम का यदि हम लोगों का बिल होता है तो ये विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के डिडक्ट हो जाता है। यदि 10,000 के अबव का है तो ये आपसे पूछेगा कि काटना है या नहीं। तो इसलिए गाइस आप यहाँ पे ना हमेशा डेबिट कार्ड लगाइएगा। तो मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए हम लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, आइडेंटिफाई हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो गाइस ये कुछ प्लान्स हैं, यदि आपको कुछ प्लान परचेस करना है कि डेवलपर प्लान है, बिजनेस प्लान है, बेसिक प्लान है, तो गाइस हम लोग फ्री प्लान लेंगे। कुछ फ्री प्लान्स में कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, 24/7 सेल्फ सर्विस एक्सेस है और 750 आवर्स के लिए जो हम लोगों का EC2 इंस्टेंस है माइक्रो, वो फ्री है हम लोगों के लिए। तो गाइस हम लोग फ्री पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग फ्री को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे कुछ रोल सबमिशन है, आप चाहें तो इनको क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो आप लोग नॉर्मली सबमिट करो। तो मैं इनको क्लिक करता हूँ। तो गाइज अभी मेरा कम्प्लीटली मेरा अकाउंट ऑन हो गया है। ओके तो मैं वापस से साइन इन करूँगा इसे। तो गाइज ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड ले रहा है क्योंकि मेरे क्रोम की सर्विसेज हैं कुछ। तो गाइज ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। देखिए जो मैंने अकाउंट नेम दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके माय अकाउंट डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये देखिए गाइस अकाउंट नेम है इंटलिन एंड अकाउंट आईडी है। तो गाइस ये अकाउंट आईडी और अकाउंट नेम आपको याद रखना और बिलिंग एड्रेस याद रखना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। जब कभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आती है या हम भूल जाते हैं तो जो AWS के कस्टमर सपोर्ट होते हैं वो हमसे अकाउंट नेम और अकाउंट आईडी ज़रूर ही पूछते हैं। तो गाइस इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस थैंक यू गाइज़। यदि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू अलॉट।